नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के बाद जीत के जश्न की खबरें सामने आई, नए मुख्यमंत्री पर चर्चा हुई, लेकिन इस बीच उत्तराखंड में हैरान करने वाली खबर पिथौरागढ़ जिले से सामने आई है। यहां चुनाव रिजल्ट आने के तुरंत बाद धारचूला के कांग्रेस विधायक यानी हरीश धामी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद धामी ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। धामी ने अपनी शिकायत में लिखा कि उन्हें एक फ़ोन आया और एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद धामी ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया। और धामी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, वीडियो तक ही सीमित होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैं सोचता कि भाई कार्यकर्ता खा पी गलती करी, मैं माफ कर देता, लेकिन सुबह 9:34 में जो मुझे फोन में भी धमकी दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो है दुर्भाग्य है। और मैंने उस तत्काल डीजीपी उत्तराखंड, डीआईजी कुमाऊं और एसपी पिथौरागढ़ को और बलवाकोट कोतवाली में मैंने जो है तहरीर दी है। कानून का काम कानून ने करना है, वो जांच करें और ऐसे व्यक्तियों को दोषित करें, नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा में धरने में बैठो। धामी को मिली इस धमकी से पहले उन्होंने अपने इलाके में अपनी जीत के बाद जश्न भी मनाया। धामी ने धारचूला की जनता का धन्यवाद करते हुए कई जगहों पर रैलियां निकाली। सुनते हैं धामी ने उस समय जहां वो जनता का धन्यवाद करने पहुंचे थे, वहां धामी अपनी जनता से क्या बोले। सरकार के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता और मीडिया के मीडिया बंधु, मैं आप सबको सर्वप्रथम नमन करता, प्रणाम करता हूं और हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज जो विजय यात्रा हम लोग निकाल के चल रहे हैं, जो हम धन्यवाद कर रहे हैं, यह विजय यात्रा आप सबकी जीत है। सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह 5 साल हमारे क्षेत्र के लोगों के भावनाओं के साथ खेलवाड़ किया, क्षेत्र के साथ शौचालय व्यवहार किया, बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किया और महंगाई की मार जो हम लोगों पर ऊपर डाली, आज उसी का परिणाम है कि सत्ता पक्ष के लोग इस विधानसभा में तीसरी बार बिहार का मुख्य खिलाफ हो रहे हैं। मैं आज केवल आपको धन्यवाद करने आया हूं, लेकिन मैं तमाम धर्म के अपने मातृशक्ति और युवा साथी और बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि जो हमने चुनाव के समय में आपसे वादे किए थे, वो वादे भी हम भूले नहीं। धामी तीसरी बार धारचूला से चुनाव जीते हैं और जैसे ही वो यहां से चुनाव जीते तो उन्हें धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस धमकी पर एक्शन नहीं लिया गया तो वो विधानसभा में इसका विरोध करेंगे और वहां पर धरना भी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए उत्तराखंड तक।